तो दोस्तों मैं वापस आ गया एक और नई बेबी नेलो स्टोरी वीडियो के साथ। तो मैंने पिछली वीडियो में बेबी नेलो शिप चैप्टर की कहानी आप लोगों को बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। और आज मैं आपको बताऊँगा बेबी नेलो वाइट रैबिट की कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक अनजान इंसान से जो शायद बेबीसिटर नहीं था, इंस्पेक्टर होगा कोई पुलिस वाला जो बेबीसिटर्स को ढूंढने आया होगा। वो इधर बेबीसिटर्स को ढूंढने आया था, जैसे दरवाज़ा खोलता है घर के अंदर का हाल, सारे के सारे खिलौने इधर उधर पड़े हुए हैं, मतलब बिखरे हुए हैं। यहाँ पर हुआ क्या, तूफान आया था या फिर कुछ और? और उसके साथ साथ उसको ऊपर फुसफुस आने की आवाज़ भी आ रही थी। तो वो तय करता है ऊपर जाके दरवाज़ा खोल के देखा कि हुआ क्या है। और जैसे दरवाज़ा खोलता है, क्या आपने कुछ नोटिस किया? नहीं तो थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। ये है वो खास चीज़, चलो थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। देख लिया बच्चे की शैतानी ताकत। अब ये देखने के बाद व्हाइट रैबिट बोलता है, निकल यहाँ से, निकल, रन। उस पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर क्या चल रहा है उसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, ये बच्चा इतना शैतानी कैसे। इसे उसको बस एक ही यहाँ पर सहारा देखता है, और अगर यहाँ पर ये गुड्डा देखोगे, इट वॉन्ट्स टू लीव, मतलब मैंने जो पिछली वीडियो में बोला था ना, सभी के सभी लोगों को इसने मार डाला और उन सभी की आत्माएं अपने खिलौने में कैद कर दी। तो ये उसी में से एक खिलौना है, ठीक है, जो मतलब एक आत्मा है, एक खिलौना और आत्मा दोनों कह लो, जो हमारी मदद कर रही है। यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो हमारी मदद करने वाला है, और वो है वाइट रैबिट। हमारा पुलिस वाला यहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी किस्मत फूटी, लिफ्ट टूटी, जिसकी वजह से हमारे हीरो, गेम का हीरो बीच में अटक जाता है। वाइट रैबिट बोलता है कि भाई चलते रहे, रुकना मत, क्योंकि रुका तो भैया वो बेबी नेलो छोड़ेगा नहीं। अब हमारा हीरो यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी बच्चे ने जादू से ताला बांध दिया, चाबी हाथ में पकड़ के बैठा है और घर के अंदर घुस गया। अब इस सिचुएशन में वो पुलिस वाला उसको पकड़ने की कोशिश करता है, मैं दिखाने वाला तो नहीं हूँ, वीडियो डाले वो गेम पे वीडियो वो देख लेना, वो ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो पकड़ने देखा गायब हो गया, ये कहाँ कहाँ पे चिपकेगा, कभी कभार घर के ऊपर भी चिपक जाता है बंदा, वो छत के ऊपर भी। तो वो पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन हाथ में नहीं आता, लेकिन वहाँ पर उसको दिखते हैं नोट्स, पढ़ाई के नोट्स नहीं, म्यूजिक नोट्स। तो म्यूजिक नोट्स को वहाँ पर लगाने की कोशिश करता है, बीच में किसी बच्चे की पेंटिंग में मिल जाती है, बच्चे की पेंटिंग मत जोड़ना बजेगा नहीं। तो तीनों म्यूजिक नोट्स के टुकड़े ढूंढ के बजाना शुरू करता है। अब इसने ये क्या बजाया मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दिया, उसके लिए आई थिंक हमें क्या बोलते हैं, गेम का जो साउंड है वो हाई करना पड़ेगा। मैंने हाई करके नहीं रखा था, ईयरफोन पहन के रखा था। अब इसमें पकड़ा नहीं जा सकता, तो उसको एक बटन मिलता है, बटन दबाने के बाद रास्ता, और रास्ते पे वो चल लेता है। उसको लगा शायद यहाँ से कोई भागने का रास्ता होगा, लेकिन ये भागने का रास्ता नहीं था, एक सीक्रेट रूम था जिसके अंदर था एक सीक्रेट रिकॉर्ड। तो पुलिस वाले को लगा इससे कुछ होगा, तो वो रिकॉर्ड को बिना सोचे समझे सीधा प्ले कर देता है, और असर हुआ, बच्चा आ गया और वो उधर ही फ्रीज हो गया, गाना सुनने लग गया। तो ऑफिसर इसके हाथ से वो चाबी छीन के यहाँ से सीधा भाग जाता है दूसरी तरफ। वैसे इस बच्चे को गाने सुनने की बहुत अच्छी, मतलब आदत है कह सकते हो, इसको गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। गाने से एक तरीके से फ्रीज हो जाता है, तो वो इंस्पेक्टर जैसे लिफ्ट का बटन दबाता है, लिफ्ट बंद। तो रैबिट बोलता है कि चल भाई तेरे को मैं इलेक्ट्रिकल रूम दिखाता हूँ, वो जाके फिक्स करियो। तो इलेक्ट्रिकल रूम की तरफ का रास्ता जो है उसको दिखा देता है। अब इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर जाके देखता है, तो उसके अंदर दो फ्यूज़ बंद थे, तो पहले तो फ्यूज़ इधर था, दूसरा फ्यूज़ लॉकर के अंदर था। तो दोनों फ्यूज़ एक एक करके लगा देता है,
लेकिन लगाने के बावजूद भी करंट नहीं आता। उसकी वजह यह है, बच्चे ने पता नहीं कैसे जादू करके वहाँ का फ्यूज ही निकाल लिया। वो वापस से इधर फ्यूज लगाने की कोशिश करता है, वापस से बिजली बंद, वापस से फ्यूज लगाने की कोशिश करता है, वापस से बिजली बंद। वो बार बार लगातार जाता और फ्यूज लगाता, उसके बावजूद भी बिजली कभी भी आती ही नहीं थी। तो उसने अपना दिमाग लगाया और वहाँ पर एक वेंट का ताला जैसे तैसे उसका पासवर्ड ढूंढ के निकाला और इसको खोला। अब वहाँ पर एक नीचे एरो था, तो इसके दिमाग में आया कि चलो इस बच्चे को यहाँ से नीचे फेंक देते हैं। अब अगर आप यहाँ पर आके यहाँ से ज़रा ऊपर अपनी मुंडी घुमाएंगे तो मतलब हमारा इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से ऐसे भाग नहीं रहा है, वो भागने की कोशिश ज़रूर कर रहा है लेकिन यह बच्चा उसके साथ खेल रहा है। अब जैसे उसको नीचे फेंकता है ये बच्चे को वेंट से नीचे फेंका है या फिर आसमान से नीचे, भाई सीधा पाताल में जाके रुकेगा क्या? हंसी इसकी रुकी नहीं रही है, बच्चे रोते हैं। ये पहला बच्चा है जो हंस रहा है नीचे फेंकने के बाद। तो वो बच्चे को फेंक दिया तो उस पर कुछ जादू वादू हुआ नहीं, लेकिन बच्चे को ऊपर भूत सवार जरूर हो गया। वो बोलता है रुक जाओ भाई, मत जाओ। नहीं भैया, इंस्पेक्टर तो भागेगा क्योंकि इंस्पेक्टर को पता है इधर रुकने का अंजाम। वो जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाता है अब भैया इंस्पेक्टर के फटके हाथ में आ गए थे। वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है लेकिन बच्चा ताले मार देता है दरवाजों पे, तो दरवाजों के ताले फटाफट खोलते खोलते सीधा भागने लग जाता है। वो इंस्पेक्टर भागते 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 सीधा लिफ्ट के अंदर घुस के सारे बटन दबा डालता है ताकि वो बच्चे से बच्चे के बच्चे की शक्ल देखी। अब भैया इंस्पेक्टर ने ली राहत की सांस, उसको लगा कि भाई अब वो बच गया बच्चे से, अब भैया यहाँ से भागेगा वो। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है बच्चे के घर में, अब मैं दीवार की तरफ क्यों देख रहा हूँ अभी आपको बाद में पता चलेगा, एक्चुअल में हम मिरर वर्ल्ड में फंसे हुए होते हैं। और शुरुआत का वो सीन याद होगा ना, बच्चे ने बच्चे का सिंहासन पे बैठा हुआ रूप देखा, वो एक्चुअल में क्या था वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो सीन एक्चुअल में था क्या। तो जैसे ही नैपी चेंज करने जाता है वो रोज का भैया बच्चा गायब। अब जैसे ही नैपी चेंज करता है टाइम रिवाइंड हो गया। यहाँ पर अभी आप रैबिट देख सकते हो, रैबिट हमको रास्ता दिखा रहा होता है। तो बंदा सीधा ऊपर जाके ताला देख के उसकी चाबी ढूंढ के ले आता है, चाबियाँ यहाँ पर बहुत सारी होती हैं। अब यहाँ से दरवाजा खोलने के बाद एग्जिट की बारी आ जाती है कि कैसे यहाँ से भागेंगे। यहाँ पर एक मिस्टीरियस किताब होती है जहाँ पर लिखा होता है ऑलरेडी सीन ऑलरेडी नोन ऑलरेडी लिव्ड, मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी हमको समझ में आ चुका है। यहाँ पर एक बच्चा, वही बच्चा दिखता है, उस बच्चे को उठा के पालने के अंदर फेंक देता है। अब वापस से दरवाज़ा खोल के आगे बढ़ता है, वापस से वही कॉरिडोर, जैसे ही फिर से दरवाज़ा खोलता है वही बच्चा उस बच्चे को वापस से पालने में डाल देता है। लेकिन अब की बार जब वो दरवाज़ा खोलता है तब वाइट रैबिट बोलते हैं उठाए मत इसको, ये मुसीबत को उठाए मत, यहाँ से निकल ले चुपचाप। तो ऐसा ही करता है और बच्चों की फायरिंग शुरू। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पालने के ऊपर क्रॉस बना हुआ है मतलब नहीं, और यहाँ पर एरो मतलब यहाँ से सीधा निकल लियो। वापस से वही कॉरिडोर, बार बार यही कॉरिडोर दिखता है। अब के बार इधर टीवी देखता है वैसे ही, फिर से वही पर। अब की बार वो तय करता है कि नहीं टीवी नहीं देखेगा, तो जैसे तैसे टीवी को इग्नोर करके यहाँ से निकल जाता है। अभी बच्चे का सबसे अजीबोगरीब लुक देखो, क्या भाई टीवी के अंदर बच्चे का शो या फिर बच्चे के सिर में किसी ने टीवी दे मार दिया? शायद टीवी देख रहा होगा बंदा, बच्चा उसके सामने आ गया, बच्चे के सिर पे टीवी मार दिया। अब की बार वो अपने सिंहासन पर बैठा होता है, जैसे पास जाते हैं बच्चा गायब। अब यहाँ पर बीच में दरवाजा अलग बंद होता है वो अलग बात है, लेकिन अब की बार जब जाके देखता है भाई ये क्या है, जैसे पास जाता है बच्चे ने डरा दिया, यह एक्चुअल में बच्चे का असली लुक था।
अब वो यहाँ पर सोच रहा था और इसका पालना देखो क्या है भाई ये, उसको एरो देखता है मतलब समझ गया बच्चे को वापस यहाँ से नीचे फेंकना है। जैसे ही नीचे फेंकता है उसके लिए पुल रेडी, वो बिना सोचे समझे यहाँ से भागता है। और एक बार इसको आलू को देख लो भाई ये क्या है, ये कौन किसकी आँख है भाई इतनी बड़ी इतनी डरावनी। एक बार नोटिस करो जब वो पूरी ताकत में आता है तभी उसकी आँखों कुछ ऐसे ही दिखती है ना, आई थिंक ये उसकी आँखें ही होंगी 100%। यहाँ पर ये डॉक्टर के डॉल इतनी बड़ी, और वाइट रैबिट ने इधर रास्ता बना दिया। वाह, वो इंस्पेक्टर अभी जैसे ही एग्जिट की तरफ जाने लगा तभी भैया मॉन्स्टर सीधा दरवाज़ा तोड़ के आगे आ गया। वो सीधा यहाँ से जैसे तैसे उसको जो समझ में आ रहा था वो रास्ता ढूंढ के यहाँ से निकल जाता है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए ऐसा उसको लगा कि बच गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर इस वेंट के अंदर एक्चुअली में बच्चा स्पॉन होता है। ये भाई कहाँ पर है बच्चा, उसके खिलौने देख लो, डोंट लिव बच्चे स्पॉन हो जाइए, देखो स्पॉन हो गया। अब जैसे ही वो यहाँ का दरवाजा खोल के आगे बढ़ता है फिर से मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। वो पता नहीं अब कौन सी दुनिया से होकर जाता है, लेकिन भागता रहता है भागते भागते एग्जिट की तरफ पहुँच ही गया था तभी। अब क्या आपने इस सीन में कुछ अजीब देखा? नहीं तो चलिए इस सीन को वापस से रिवाइंड किया जाए। देख सकते हो हम जा रहे थे तभी आगे एग्जिट था, लेकिन जैसे ही उसके पास दरवाज़ा बंद हुआ और दरवाज़ा बंद होने के बाद अलग सी दुनिया, दरवाज़ा बंद होने से पहले एग्जिट, अब की बार अलग सी दुनिया। अब यहाँ से जैसे जैसे वो ऑब्स्टिकल डालता है, कभी कभार ये ब्लॉक्स, कभी ये ट्रेन, अरे ये रास्ता पता नहीं क्यों दिखता नहीं है भाई टाइम पे, और कभी उसकी बोतलें, बच्चे की शक्ल देख लो एक बार। और जैसे बाहर निकलता है उसको लगा इंस्पेक्टर को कि मैं बच गया, लेकिन वो बच्चा नहीं होता है, असल में वो बच्चे के दिमाग में फंस गया। सॉरी मैं वो एक सीन दिखाना भूल गया, एक्चुअली में इस सीन इसकी मिस्ट्री, चलो मैं आपको इसकी मिस्ट्री बता देता हूँ। अब हम जैसे ही शुरुआत में यहाँ पर देखते हैं कि सारे खिलौने अस्त व्यस्त पड़े हैं, क्योंकि शिप चैप्टर और वाइट रैबिट चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये शिप रैबिट के चैप्टर वाली जब बेबी सीटर थी तब का ये कारनामा है। और यहाँ पर जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं हमें जो शैतानी बच्चा दिखता है वो क्या कर रहा होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसी वजह से हमें ये बच्चा सिंहासन पर दिखता है, क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर के आने से पहले ये एक बेबी सीटर को अपना शिकार बना चुका था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो लगी कैसे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और बच्चे को चक्कर क्यों आ रहा है भाई, बच्चे के साथ साथ मेरे को क्यों चक्कर आ रहा है भाई, ये किधर गया बच्चा है, ये देखो इधर है।